नमस्ते दोस्तों, हमने NST क्रेन सर्विस मेंटेनेंस के बारे में, ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने देखा इंजन ऑयल सर्विसिंग के बारे में, जो किस तरह से अपने इंजन ऑयल चेंज करते हैं, इंजन ऑयल फिलअप करते हैं, इंजन ऑयल का ड्रेन करते हैं और फिल्टर कैसे चेंज करते हैं, पहले पार्ट में देखा था। अब देखेंगे एक्सल और गियर ऑयल चेंज कैसे करना है। गियर ऑयल का कैपेसिटी 55 लीटर है। सबसे पहले हमने ऊपर का बोनट खोल के नीचे का गियर कवर का पैकिंग प्लेट खोल दिया है। ये गियर प्लेट के जो बोल्ट है कवर प्लेट के, वो खोलने के लिए 13 का स्पैनर यूज़ करते हैं। गियर ऑयल चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमको लगता है रैचेट, 13 का बॉक्स या 13 का रिंग या पट्टी। ड्रेन करने के नीचे के जो लगता है वो लगता है 20x22 का रिंग, ड्रेन प्लग खोलने के लिए। सबसे पहले हमने ऊपर का कवर प्लेट खोल दिया है। कवर प्लेट खोलने के बाद हमने ऊपर से चेक करना है कि ऑयल में कुछ ऊपर के पार्ट इंस्पेक्शन करना है, क्राउन व्हील, पिनियन, बाकी का सब चीज़। फिर नीचे का जो बोल्ट है ड्रेन प्लग, वो हमें खोलना है। उसके बाद ये ड्रेन प्लग हम खोल रहे हैं अभी। ये देखिए नीचे घुसकर 20x22 के पाने से वो नट को लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद हमने एक 10 लीटर का छोटा कैन है, उसमें रख के एक ऑयल निकालना है। यह ऑयल का 55 लीटर का ऑयल है। कम से कम 40 या 50 लीटर का जो ये रहता है खाली कैन लेने बाजू में, जैसा ही ऑयल निकलता है ऑयल वो सो डालने के लिए 50 लीटर का कैन बाजू में स्टोर करके रखना है। अभी पूरी तरह का ऑयल निकल चुका है। ऑयल निकालने के बाद हमें वो ड्रेन प्लग सही तरीके से टाइट करने का है। पहले हाथ से लगा के टाइट करिए। उसके बाद हमें टाइट होने के बाद ऊपर से ऑयल का डालने का है। ऑयल डालते समय ये ध्यान रखिए कि आजू बाजू वाला कचरा या कुछ वो चीज़ गियर बॉक्स के इसमें ना पड़े। हम इसमें अभी 55 लीटर ऑयल डाल रहे हैं। ये इंजन का एस्कर्ट का गियर ऑयल जेन्युइन ऑयल यूज़ करें। जेन्युइन पार्ट यूज़ करने से आपका मशीन का, आपका जिस इसका पार्ट का गियर बॉक्स हो, इंजन हो, एक्सल हो, इसका पार्ट का लाइफ पड़ता है। जेन्युइन ऑयल ही मशीन के लिए कभी भी सही है। पूरा ऑयल डालने के बाद अपने को कवर प्लेट लगा लेने का है। कवर प्लेट लगाने के अच्छी तरह से टाइट करने का। मैंने सब तरीके से बोल्ट लगा के क्रॉस में आजू बाजू टाइट कर दिए है। ये टाइट होने के बाद अगर उसका पैकिंग कटता है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एनाबॉन्ड लगा सकते हैं, जिससे वहाँ से लीकेज नहीं होगा। ऐसे क्रॉस साइड से टाइट करने का, जिससे मशीन में कोई दिक्कत नहीं आता है। पूरा टाइट होने के बाद लेवल मार्क का लेवल गेज ही देख लीजिए, ये ऑयल लेवल सही है क्या नहीं। सही होने के बाद सब तरह का ट्राई लीजिए और आइडल पे चालू कर दीजिए। आइडल से चालू करने के बाद कहीं लीकेज है क्या देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे